हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं सीएमए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप की प्लानिंग आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सीएमए इंटरमीडिएट अगर आप बोथ ग्रुप जा रहे हो दिसंबर में देने, आपके पास 100 डेज लेफ्ट है और 100 डेज में आप किस तरीके से आप प्लानिंग करोगे वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो सब कुछ मैं वन बाई वन डिस्कस करूंगा। सबसे फर्स्ट थिंग तो मैं आपको बता दूँ, आपने जिस भी टीचर से क्लासेस ली या जिस भी आपने नोट्स को रेफर किया, जिस भी आपने बुक को रेफर किया, बस उसी के साथ आपको जाना है। कोई एडिशनल नोट्स आपको रेफर नहीं करने, उसका ड्रॉबैक होगा अगर आप एडिशनल बुक्स को नोट्स को रेफर करोगे तो आपको चीज़ों को पढ़ने में समझने में टाइम लगेगा और आपके पास बोथ ग्रुप के लिए इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं। तो आपको करना क्या है, जिस भी नोट्स या बुक्स आपने पढ़ा है जस्ट उसी को आपको रेफर करना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं ये बोलूँगा, बिकॉज बोथ ग्रुप का बर्डन है तो आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकते हो, आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी आप कैसे कर सकते हो, स्पेशली कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसके लिए फर्स्टली मैं सजेशन दूंगा। फर्स्टली मैं आपको बोलूँगा लॉ के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लॉ में मार्क्स नहीं आता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी राइटिंग स्किल्स का भी प्रॉब्लम होता है। मेरे केस में भी ऐसा ही था, लॉ में मार्क्स कम आए थे, उसके पीछे मेरी राइटिंग स्किल्स वीक थी। तो आप कैसे कर सकते हो उसको, तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट दूंगा, आप एवरीडे 5 क्वेश्चंस का आप आंसर लिखो। एवरीडे आप अपने पूरे होल रूटीन का 2 घंटे आप लॉ को दो पर एक डे। एवरीडे आपको 1 आवर लॉ के कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए देना है एंड 1 आवर में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अप्रोक्स 5 to 6 क्वेश्चन को आप सॉल्व करो एवरीडे, उसको आप 1 आवर में कर लो, हाफ एन आवर में कर लो, आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। बिकॉज जब आप स्टार्ट करोगे ना तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम हो बट चीज़ें कैसे स्टार्ट करनी है आपको समझ में ना आए। जब आप एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते जाओगे 100 डेज या 90 डेज तो अप्रोक्स आप 450+ आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा एंड ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ एग्जाम में नहीं आएगी। तो एग्जाम में आपका जो टाइम होगा उसका मिस यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा और आप चीज़ों को सही तरीके से लिख पाओगे आपकी इतनी प्रैक्टिस होने के बाद। तो 2 आवर्स लॉ के लिए आप फिक्स कर दो। देन इसके बाद आता है डायरेक्ट टेक्स्ट, तो डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए अगर आप एवरीडे टाइम नहीं दो तो भी चलेगा, बिकॉज डायरेक्ट टेक्स्ट जितना थ्योरेटिकल है उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वहाँ जब क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिकल आएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो इसलिए मैं डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए नहीं बोलूँगा। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको कैसे करना है, बाकी आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स बचते हैं उसके लिए आप 3 डेज का टाइम दो। 3 डेज में करना कि आपको हर एक सब्जेक्ट 1 by 1 लो, जैसे मैंने लिया था 1 by 1 लेके आपको करना क्या है, 3 डेज में पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड जब आप क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करो तो इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड नेचर के होंगे, उसे आप क्रॉस कर दो, उसको आपको दोबारा टच नहीं करना जो रिपीटेड नेचर के होंगे। उसमें से आपको 10 क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट करना जो सबसे डिफिकल्ट लगा हो उस चैप्टर का आपका, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे होंगे, उसको आप शॉर्टलिस्ट करो। आफ्टर दैट जब आप नेक्स्ट टाइम जब रिविजन करना होगा तो आप उसी शॉर्टलिस्टेड क्वेश्चन को आप टच करोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको प्रिकॉशन लेना है, क्वेश्चन एंड आंसर सामने रख के आपको चेक नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन लेना है देन उसका सॉल्यूशन खुद से करना है कॉपी में। हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको टाइम ज़्यादा लगे, वो 3 डेज का 4 डेज भी हो सकता है, लेकिन लिटरली मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट टाइम वो 4 डेज आपका 2 डेज में कन्वर्ट होगा। तो आपको फर्स्ट टाइम इसी तरीके से करना है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। आप एक बार जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, आपके पास दिमाग में रिकॉल होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज होता क्या है एग्जाम में कॉन्सेप्ट रिकॉल्स नहीं होती, उसके पीछे रीजन यही होता है कि हमें क्वेश्चन और आंसर सामने रख के करने की आदत है, इस आदत को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल्स करने हैं और आपको हर एक सब्जेक्ट में 3 डेज का टाइम देना है। तो ओवरऑल आपका 24 डेज में आपका इंटायर ग्रुप का रिवीजन हो जाएगा 24 डेज में। अभी आपको सिर्फ आपने जिस नोट से पढ़ा है, जिस बुक से पढ़ा है उसी को रेफर करना है, कोई स्कैनर नहीं रेफर करना है, कोई MTP रेफर नहीं करना है, सिर्फ आपके बुक्स और आपके कॉन्सेप्ट्स को आपको रेफर करना है। जब आपका 24 डेज ओवर हो गया यानी फर्स्ट टाइम का आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट टाइम के रिवीजन की बात करते हैं। जब सेकेंड टाइम आप रिवीजन करने जाओगे तो आपने जो भी 10 क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट किए थे हर एक चैप्टर वाइज, हर एक सब्जेक्ट में से हर एक चैप्टर वाइज, अब उस 10 में से 5-5 क्वेश्चन ही आपको करने हैं, कॉन्सेप्ट सारे पढ़ने हैं, सिर्फ क्वेश्चन 5 करना है। नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करने जाओगे तो वो जो डेज पहले मैंने 3 डेज आपको दिया था अब वो 2 डेज है, यानी अब आपको 16 to 17 डेज या 18 डेज मान लो 1 से 2 दिन का आपको मैं एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ, आपको 18 डेज में आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। सेकंड रिवीजन आपका ओवर हो गया, सेम लाइक दिस आपका थर्ड रिवीजन भी आपको इसी तरीके से करना है। अब आपका 3 टाइम रिवीजन हो चुका है और आपके पास 2 मंथ खत्म हो चुके हैं, यानी 2 मंथ प्लस 5 to 10 डेज और मान लो,
फिर भी अभी आपके पास 20 डेज और प्लस नेक्स्ट मंथ यानी दिसंबर के भी 10 दिन बचे हुए हैं। तो आपके पास इस टाइम में आपको क्या करना है, इस टाइम में आपको फिर से अगेन वही प्रोसेस स्टार्ट करना है। बस इस टाइम आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट सारे बुक से पढ़ना है और इस बार आपको क्वेश्चन सारे स्कैनर से सॉल्व करने हैं, एमटीपी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ एडिशनल लगता है जहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आपका नेक्स्ट रिविजन होगा, यानी आपके ये फोर्थ रिविजन है। फर्स्ट रिविजन में आपने 24 डेज लगाया, नेक्स्ट रिविजन में आपने 18, उसके नेक्स्ट आपने फिर से 18। अब आप नेक्स्ट जो भी आप रिविजन कर रहे हो उसके लिए कॉन्सेप्ट सेम रेफर करो, सिर्फ क्वेश्चन आपको अब स्कैनर्स के करने हैं, एमटीपी का करने हैं, इसके अलावा भी आपको कोई और लगता है इंपॉर्टेंट तो आप उसको करो। इस तरीके से करके आपका सारे सब्जेक्ट रिविजन हो जाएंगे एंड रिवाइज होने के बाद आपके पास चीज़ों के ऊपर आपकी ग्रिप बन जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लियरिटी आ जाएगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब आपको अच्छा सा फील होगा एग्जाम आने तक, बिकॉज आपने इतनी टाइम प्रैक्टिस कर ली। अगर मैं 10 क्वेश्चन अगर मैं बोल रहा हूँ तो 10 क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई कर दो, आपने उसको 3 टाइम्स किया है और हर एक चैप्टर में से आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो अप्रोक्स अगर मैं आपको बताऊँ तो आपने 500 प्लस क्वेश्चन कम से कम आपने सॉल्व किए होंगे पर सब्जेक्ट वाइज। ओके, तो ऑलमोस्ट आपका सारा रिविजन हो जाएगा और चीजें आपके पकड़ में होगी, आपका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा जाएगा, नो डाउट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका पेपर बेकार जाए, बट आपको कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम बुक से रेफर करना है जिससे अभी तक आप पढ़ते आए हो। कोई एडिशनल नोट्स आपको बाय नहीं करना है, कोई एडिशनल नोट्स आपको फोटोकॉपी नहीं करवाना है, किसी अपने फ्रेंड से नोट्स नहीं मांगना है, सिर्फ जो आप किए हो बस वही आपको करना है, बस जो मैंने आपको बोला उस तरीके से आपको करना है। दैट्स इट। लॉ के लिए आपको डेफिनेटली 2 आवर्स देने हैं, 2 आवर्स के बाद बाकी सारे टाइम्स आपको देना है एंड एटलीस्ट आपका डेली स्टडी आवर 2 आवर्स को इंक्लूडिंग करते हुए कम से कम 12 घंटे तो होने चाहिए, 12 to 13-14 आवर्स हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा है। अगर इस तरीके से करोगे तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। थैंक्स, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।